नमस्कार दोस्तों, आज की करंट अफेयर में आपका फिर से स्वागत है। तो आज की कुछ महत्वपूर्ण न्यूज़ है, हम उसको डिस्कस करेंगे और जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होगा उसके संबंध में हम बेसिक बातें भी डिस्कस करेंगे, चाहे वो प्रीलिम्स की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो चाहे वो मेंस की दृष्टि से महत्वपूर्ण। तो आइए डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। हाल ही में चर्चा में दारा सिको थे, जो अब इनका एक वर्जन चर्चा में है। हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट हैं उनने एक वर्जन रिलीज किया है, इसका नाम है अरेबिक वर्जन ऑफ मजमा उल बहरीन। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना कि मजमा उल बहरीन किसने लिखा, दारा सिको ने लिखा। और मजमा उल बहरीन हमारी हिंदू और मुस्लिम के बीच जो ब्रिज है, जो कनेक्टिविटी है और जो संगतता है और उनमें विभेद करने की बात नहीं करता है, तो हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि हम क्या करें, दारा सिको के बारे में पढ़ें और उनके जो व्यू हैं वो हम सारी बातें पढ़ें, क्योंकि हमारे एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ये तो केवल न्यूज़ है, हमको न्यूज़ नहीं पढ़ना है, हमको उसके पीछे का बैकग्राउंड पढ़ना है। अब मजमा उल बहरीन का मतलब होता है कि कन्फ्लुएंस ऑफ टू ओशियन। अब इनका टू ओशियन का मतलब है कि एक हिंदू समुदाय, एक मुस्लिम समुदाय, इन दोनों का मिलन, समझ रहे। तो इन दोनों का मिलन हमेशा है और रहेगा और इन दोनों समुदायों में कोई अंतर नहीं है। कहने का मतलब यह है कि दारा सिको हमारे उदारवादी प्रकृति के एक सैनिक थे और इन्हें शहंशाह की पदवी भी कुछ समय के लिए धारण की, लेकिन कुछ समय बाद इनको हटा दिया गया। क्यों हटा दिया गया वो सारी बातें हम पढ़ेंगे। इनने कहा कि जो हमारे देश में जो धर्म है, कौन कौन से हिंदू धर्म है और मुस्लिम धर्म है, इनमें बहुत सारी समानताएं हैं और इनको और ये समानताएं हमारे देश की एकता और अखंडता को क्या करती हैं, बढ़ावा देती हैं, इसलिए इन दोनों समुदायों में कोई अंतर नहीं है। तो दारा सिको की फिलॉसफी विभाजन पर आधारित नहीं है। दारा सिको की फिलॉसफी किस पर आधारित है, एकता, अखंडता, समन्वय पर आधारित है, जिससे हमारे देश की एकता को बढ़ावा मिलता है, अखंडता को बढ़ावा मिलता है और सहिष्णुता को बल मिलता है। अब आपके मन में प्रश्न ये आया होगा कि दारा सिको इतने उदारवादी कैसे हो गए, कि दारा सिको के ऊपर ज्यादातर अकबर का प्रभाव ज्यादा था और जो सूफी संत थे उनका प्रभाव ज्यादा हमको देखने को मिलता है। और सूफी बात हमारे लिए महत्वपूर्ण है, हमारे एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इसको भी हम किसी दिन पढ़ेंगे अच्छे से। और इसलिए सूफीवाद क्या करता है, भाईचारे की बात करता है, प्रेम की बात करता है, सद्भाव की बात करता है, सहिष्णुता की बात करता है। तो सूफीवाद के बारे में बात करते हैं। और ये वेदांत, वेदांता और सूफिज्म के जो मध्य समानता है, जो कॉमन फीचर है, उनके बारे में बात करते हैं। इनने कहा कि जो हमारा दारा सिको जी है, उनने कहा कि हिंदू और मुस्लिम के मध्य कोई असमानताएं नहीं है, सब समानताएं हैं, इसलिए हमको एक होके रहना चाहिए और देश की अखंडता और एकता के लिए हमको जीना चाहिए। सॉरी, ठीक है, हम दारा सिको के बारे में पढ़ लेते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया ये क्या थे, शाहजहां के सबसे बड़े पुत्र थे और ये उदारवादी मुस्लिम के बारे में बात करते थे। उदारवादी मुस्लिम थे, मतलब कि हिंदू और मुस्लिम धर्म में इनने कोई विभेद नहीं किया। और इंटरफेथ के बारे में बात करते थे, मतलब कि धर्मों के मध्य क्या होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए, ये सारी बातें इनके बारे में होती थी। लेकिन 1655 में औरंगजेब के द्वारा इनको क्राउन, जो प्रिंस की गद्दी थी, उससे हटा दिया गया और खुद औरंगजेब क्या हो गए, शहंशाह हो गए। अब चूंकि आपके मन में प्रश्न आया होगा कि औरंगजेब ने क्यों हराया और क्यों उनको मार दिया गया, चूंकि ये थे उदारवादी, ये उदारवादी थे,
और औरंगजेब, ये मान के चलो आपके मन में अगर कॉमन सेंस से बात करोगे तो औरंगजेब क्या होंगे, इसके अपोजिट, उनकी कट्टर मुस्लिम। और ये इनकी मजबूरी थी कट्टर मुस्लिम रहना कि उनने एक उदारवादी व्यक्ति को क्या किया, मार दिया। तो अगर इनको राजनीति में रहना है तो इनको कट्टर मुस्लिम रहना पड़ेगा, और तभी ये राजनीति में क्या कर पाएंगे, सफल हो पाएंगे, अन्यथा जो कट्टर मुस्लिम वाले लोग थे वो इनको गद्दी से हटा देते। तो राजनीतिक बाध्यताएं इनको कट्टर मुस्लिम होने के लिए क्या करती हैं, प्रेरित करती हैं। ठीक है, तो इसलिए ये इनका जो हमारे सामने ये परदृश्य आता है औरंगजेब का, वो कट्टर मुस्लिम के रूप में आता है। उसका एक कारण एक दारा शिकोह भी थे। इनने कार किया, दारा शिकोह जी ने एक मजमा उल बहरीन लिखी जो हमने पढ़ लिया, और एक सिर ए अकबर लिखी। ठीक है, और जो हिंदू और इस्लाम के मध्य जो कॉमन जो समानताएं हैं उन पे बात करती है, और कनेक्शंस हैं उन पे बात करती है। दूसरी, ये संस्कृत और पर्शियन के रूप में, मतलब कि इन अपने भारतीय कल्चर को एक पर्शियन के रूप में बढ़ावा देने की बात की, और इनने जो उपनिषद हैं उनका इनने ट्रांसलेशन भी किया, किसमें, पर्शियन में। ठीक है, तो ये आप बात ध्यान रखना, हमारे लिए महत्वपूर्ण है। अब एक चर्चा में था, सरकार चाहती है कि जो हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, ये देश के योगदान, देश के मतलब कि वीमेन एम्पावरमेंट को बढ़ाने का काम करें। सेल्फ हेल्प ग्रुप एक जो स्कीम है वो दीनदयाल उपाध्याय नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के अंतर्गत आती है। तो हम सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में समग्र रूप से अध्ययन करेंगे, इसके पॉजिटिव क्या हैं, इसके नेगेटिव क्या हैं, उसको आगे हम क्या कर सकते हैं, और दीनदयाल उपाध्याय नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के बारे में भी बात करेंगे। सेल्फ हेल्प का मतलब है, जैसे मान लो ये पांच व्यक्ति इकट्ठे हो गए, गांव में कोई पांच व्यक्ति हैं, उनने कहा कि दोनों पांचों व्यक्ति की समस्याएं क्या हैं, समान है। तो हम क्या करते हैं, एक ग्रुप का निपटारा, एक ग्रुप का गठन करते हैं। मान लो फाइनेंशियल समस्या है, तो उनने क्या किया, ग्रुप का गठन किया। उनने क्या किया, हर व्यक्ति क्या करेगा, 2-2 हजार रुपए मंथली देगा, और इस एक व्यक्ति के पास सारा जमा होगा कि उस क्या करे, उन 2-2 हजार रुपए को क्या करे, रखवाली करे, और उनका इंटरेस्ट भी उन लोगों को उपलब्ध कराया जाए। और जब किसी एक व्यक्ति को जरूरत होगी तो वो एक व्यक्ति क्या करेगा, उस व्यक्ति को देगा, और वो व्यक्ति क्या करेगा, वापस आपको सारे रुपए वापस कर देगा। ठीक है, मतलब कि सेल्फ हेल्प ग्रुप का मतलब है कि हमने क्या किया, कुछ 5-10 लोग मिल गए, उनने कहा कि हमारी ये समान समस्याएं हैं, ये स्वास्थ्य संबंध समस्याएं हो गई, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो गई, एजुकेशन से संबंध प्रॉब्लम हो गई, रोजगार से संबंध प्रॉब्लम हो गई, स्किल देना हो, तो ये कॉमन समस्याओं को देखते हुए एक ग्रुप का गठन करते हैं, सेल्फ गवर्न करते हैं, और पीयर कंट्रोल इंफॉर्मेशन ग्रुप होता है, और जिसका मतलब होता है कि इन, मैंने बताया ना कि समान समस्याएं होंगी, मतलब कि इस ग्रुप में जो व्यक्ति होंगे उनका सामाजिक आर्थिक बैकग्राउंड क्या होगा, समान होगा। अगर इस ग्रुप में जो व्यक्ति होंगे, मतलब कि एक व्यक्ति करोड़पति है, एक गरीब है, तो डोमिनेंस कौन स्टेब्लिश करेगा, जो करोड़पति वाला व्यक्ति है। तो इसलिए कहते हैं कि सेल्फ हेल्प ग्रुप में जो सभी व्यक्तियों का जो सामाजिक और आर्थिक जो बैकग्राउंड होगा उनको समान होना चाहिए, पहली बात ये हो गई। और ये इंफॉर्मेशन को कैरी करते हैं, और हमारे भारत देश में अभी 74 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, दीनदयाल उपाध्याय नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के अंतर्गत। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान रखना, इसको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे, इस योजनाओं को भी। इनका सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि सेल्फ हेल्प ग्रुप का विकास कैसे हुआ। तो आपने एक संगठन का नाम सुना होगा, इसका नाम है सेल्फ एम्प्लॉयड वुमन एसोसिएशन, सेवा बोलते हैं शॉर्ट में, इसको 1970 में एस्टेब्लिश किया गया, और अब इसने काफी अच्छा काम किया महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक और सांस्कृतिक सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह की। और सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज प्रोजेक्ट नाबार्ड ने 1992 में लॉन्च किया, ताकि उनको माइक्रो फाइनेंस की सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सके। ठीक
ठीक है, और 1999 में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना चालू की गई सरकार के द्वारा। इसका मेन उद्देश्य था कि जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां पे उनको स्वयं स्वयं नियोजित किया जा सके, और उनका जो भी संगठन है उनका उनको संगठित किया जा सके, और जो भी वो संगठन में व्यक्ति हैं उसको क्या मिले इसकी उपलब्ध कराई जा सके। ये भी महत्वपूर्ण बात थी। लेकिन 2011 में सरकार ने एक नया मिशन लॉन्च किया, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। इसका मेन उद्देश्य था कि हम गांव से क्या करें, पॉवर्टी को हम खत्म करें, ठीक है। और स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन अभी हमारे 29 स्टेट और 5 यूटी में चल रहा है, एक्स दिल्ली और चंडीगढ़ को छोड़कर। इसको आप मेन पॉइंट है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। और इसका मतलब है कि हम आपको अफोर्डेबल फैसिलिटी उपलब्ध करा सकें, कॉस्ट सस्ती हो और रिलायबल फाइनेंशियल सुविधाएं उपलब्ध हो, ताकि लोगों में वित्तीय साक्षरता बढ़े, लोग जान सकें कि बैंक खाता क्या होता है, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कैसे करते हैं, सेविंग अकाउंट क्या होता है, करेंट अकाउंट क्या होता है, इंटरेस्ट रेट क्या होती है, ठीक है। तो ये सारी मतलब की वित्तीय साक्षरता को हम उपलब्ध कराएं, और बैंक अकाउंट उनका ओपन करवाएं, सेविंग अकाउंट ओपन कराएं, क्रेडिट और इंश्योरेंस रेमिटेंस उनको उपलब्ध कराएं, और पेंशन और अन्य फाइनेंशियल सर्विस जो भी काउंसलिंग है ग्रामीण क्षेत्रों में उनको हम क्या कराएं, उनकी काउंसलिंग करें, ताकि वो वित्तीय रूप से साक्षर हो सकें, ठीक है। तो ये तो हमारा एक हमने जेनेसिस पढ़ लिया। अब बात करते हैं इनका कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है, काम क्या करते हैं। सबसे पहला इनका कोड ऑफ कंडक्ट ये होता है कि नेमिंग ऑफ ग्रुप, सबसे पहला काम में आप समान अगर आपकी समस्याएं हैं तो आप क्या करो, एक ग्रुप का नाम रखो, और अगर आपने ग्रुप बना लिया तो उसकी क्या करोगे, रेगुलर मीटिंग करोगे, ठीक है। और रेगुलर मीटिंग के बाद आप प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी का क्या करोगे, चयन करोगे। और मान लो ये नहीं है कि मतलब कि पांच व्यक्ति ई वाला पोजीशन नहीं होना चाहिए, एक व्यक्ति यहाँ बैठा है बाकी चार व्यक्ति यहाँ बैठे हैं, तो इससे क्या होगा, इस व्यक्ति की डोमिनेंस स्टेबलिश होगी। तो इसमें ये क्या होता है, मतलब एक व्यक्ति अगर यहाँ बैठा है, एक व्यक्ति यहाँ बैठा है, तो एक ये वाली मीटिंग होनी चाहिए, ताकि जो जितने भी लोग इस सेल्फ हेल्प ग्रुप में है तो वो क्या करें, अपने अपने आइडिया का एक्सचेंज कर सकें, ताकि क्या हो, समावेशी क्या हो, निर्णय हो सके, सर्वसहमति से क्या हो, निर्णय हो सके। और डिसीजन आप कोई ले रहे हैं तो उन लोगों का क्या लो, उनकी भागीदारी उसमें बढ़ाओ। और अगर आप उस ग्रुप का बैंक अकाउंट किसी बैंक में खोलोगे तो उस बैंक अकाउंट का नाम ग्रुप के नाम पे होगा, और एक दूसरे की हेल्प करना आपका काम है, और रेगुलर सेविंग होनी चाहिए, ठीक है। तो ये इसका कोड ऑफ कंडक्ट है, ठीक है। और ये हमने बात कर ली, अब हम बात करते हैं कि इसकी बेनिफिट ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होंगे। तो आपके मन में बहुत सारे मेरे बेनिफिट आ रहे होंगे, मान लीजिए अगर समस्याएं हैं किसी समाज में और वो इकट्ठे हुए उस समस्याओं का उन्मूलन करने के लिए, तो हमारे लिए क्या होगा, उन समस्याओं में क्या होगी, सामाजिक समरसता आएगी, सामाजिक इंटीग्रिटी को बढ़ावा मिलेगा, मतलब कि किसी समस्या के प्रति हम सामूहिक क्या कर पाएंगे, प्रयास लगा पाएंगे। जैसे अभी भी भारत देश में डॉरी है, दहेज प्रथा आज भी है, लोग शराब पीते हैं जिससे महिलाओं को परेशानी होती है, और महिलाओं के प्रति क्या होता है, भेदभाव होता है। तो इन सारी समस्याओं के लिए क्या करें, एक सामूहिक प्रयास लगाएं, जिससे क्या होगी, सामाजिक समरसता स्थापित होगी और हमारे देश में सद्भावना का विकास होगा। तो पहला बेनिफिट तो ये है। दूसरा बेनिफिट है कि जेंडर इक्विटी स्टेबिलिट होगी। सोशल है सेल्फ हेल्प ग्रुप का मेन उद्देश्य है कि महिलाओं का एम्पावर करना। अगर महिलाओं का एम्पावर करेंगे तो वो क्या होंगी, आर्थिक रूप से सशक्त होंगी, सामाजिक रूप से सशक्त होंगी, सामाजिक सांस्कृतिक कुरीतियां हैं उनके प्रति क्या होंगी, वो अपनी आवाज बुलंद कर पाएंगी। तो जेंडर इक्वलिटी स्टाब्लिश होगी कहाँ, समाज में। दूसरा तीसरा उद्देश्य है कि प्रेशर ग्रुप पे रू कार्य करना। प्रेशर ग्रुप का मेन सा उद्देश्य है, मान लो आपने समाज में एक सेल्फ हेल्प ग्रुप बना लिया, उसमें बहुत सारे लोग हैं, तो अगर कोई सरकार आपके लिए नीति लेके आती है तो आप क्या करते हो, उस नीति में कंट्रीब्यूशन दे सकते हो, अपने बारे में सुझाव दे सकते हो, अपनी समस्याएं बता सकते हो, चाहे वो समस्या डायरी से संबंधित हो, चाहे समस्या शराब से संबंधित हो,
चाहे वो समस्या स्वच्छता से संबंधित, शायद चाहे वो समस्या स्वास्थ्य और शिक्षा और कोई भी डिसीजन आपके बारे में सरकार लेती है, तो आप उस सरकार पे दबाव बनाकर अपनी समस्याओं को उस उन सरकार तक पहुंचा सकते हो, और अब उस सरकार के निर्णय में अपना निर्णय का आप क्या बन सकते हो, भागीदारी बन सकते हो। मतलब आपने क्या किया, सरकार के ऊपर दबाव बनाया, और आपने अगर दबाव बनाया तो क्या होगा, सरकार आपके पक्ष में निर्णय लेगी। दूसरा बेनिफिट ये होगा कि मान लो समाज में क्या हो, आज भी हमारे समाज में ऊंच नीच की भावना देखने को मिलती है, बहुत सारे लोग क्या हैं, वंचित हैं, सब विकास की मुख्य धारा से वंचित हैं, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इस विकास की मुख्य धारा में उन लोगों को लाना पड़ेगा, लाभार्थियों को गवर्नमेंट स्कीमों का लाभ हमको दिलाना पड़ेगा, तभी क्या होगा, समावेशी विकास होगा, अन्यथा विकास आधा रह जाएगा और 1% लोगों के पास जो 56% देश की संपत्ति है वो वैसी की पैसी बनी रहेगी, और ये असमानता की खाई और भी बढ़ेगी। तो इस असमानता की खाई को अगर हमको दूर करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा सेल्फ हेल्प ग्रुप को निर्माण करना पड़ेगा। और पांचवा उद्देश्य ये है, लाभ ये होगा कि फाइनेंशियल क्या होगा, इंक्लूजन होगा, वित्तीय समावेशन होगा, जैसा कि नाबार्ड के द्वारा लिंकेज प्रोग्राम चलाया गया है। लोग क्या करते हैं, छोटे छोटे ग्रुप में आके, आपने देखा होगा ना वो किटी पार्टी आप सिस्टम चलाते हैं महिलाओं के द्वारा, तो वो क्या करती हैं, हर महीने 500 रुपए दे दिए, हर महीने 1000 रुपए दे दिए, तो इससे क्या होता है, जो भी छोटे छोटे शहर है वहाँ पे सेविंग को बढ़ावा मिलता है, कोई भी संकट का समय आता है तो उस सेविंग का उपयोग वो कर पाते हैं, तो इससे क्या होता है, वित्तीय लोगों की बैंकिंग क्षेत्र में गतिविधियां बढ़ेंगी, जिससे क्या होगा, वित्तीय समावेशन बढ़ेगा। ठीक है, और अगर आप जागरूक हो गए, आपके मतलब कि हर एक समस्या के आपके पास सेल्फ हेल्प ग्रुप होगा, तो समाज सरकार के द्वारा जो भी स्कीम आपके लिए चलाई जाती है आप उसका लाभ ले पाओगे, तो समाज में भ्रष्टाचार भी क्या होगा, कम होगा। ठीक है, और आपको अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, तो जिससे क्या होगा, अगर मतलब कि समाज में अभी भी हमारे देश में अधिकांश लोग किस पे निर्भर है, एग्रीकल्चर पर, मतलब कि अगर एग्रीकल्चर में अगर एक लोग की जरूरत है काम करने की, तो कितने लोग काम कर रहे हैं, तीन, अगर दो लोग को कहीं और शिफ्ट कर दिया जाए तो प्रोडक्टिविटी भी क्या होगी, इसकी बढ़ेगी, दो लोग अतिरिक्त आय का सृजन करेंगे तो उनका रहन सहन का स्तर क्या होगा, बढ़ेगा। तो ये सारी समस्याओं का क्या हम क्या कर पाएंगे, लघु कुटीर उद्योगों का विकास कर पाएंगे, गाँव को आत्मनिर्भर बना पाएंगे, तो ये भी एक महत्वपूर्ण लाभ है। और जो भी मतलब उपभोक्ता आधारित तो जो जीवन है उसमें भी क्या होगा, बदलाव होगा, जैसे आप देख पा रहे हो कि वैश्वीकरण युग में हम क्या करते हैं, पानी की जगह कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, खाने की जगह पिज्जा खाते हैं, और नाश्ते की जगह बर्गर खाते हैं, तो ये सारी चीजें हैं, कंजम्पशन लेवल हमारे देश में खराब हुआ है, और इसलिए एक रिपोर्ट अभी हाल ही आई थी कि 25% जो हार्ट अटैक के शिकार हैं वो 40 वर्ष से कम हमारे देश के युवा हैं। तो ये क्या है, किसका नतीजा है, खान पान का। तो हमें शिक्षा से संबंधित सुधार करना पड़ेगा, फूड संबंध सुधार कर सकते हैं, हेल्थ संबंध सुधार कर सकते हैं, ठीक है, और हाउसिंग और हेल्थ से संबंधित हम इफेक्ट डाल सकते हैं, और बैंकिंग साक्षरता भी बढ़ेगी। ये पॉइंट मैं पहले से आपको बता सकता हूँ, तो आपकी क्या होगी, बैंकिंग साक्षरता भी बढ़ेगी, तो इस बात को आप ध्यान रखना, ठीक है। तो हमने इसके सारे बेनिफिट देखे, आई होप आप लोगों को बेनिफिट समझ में आए होंगे। अब बेनिफिट है तो आज के समय में कुछ चैलेंज में भी है, मतलब कि अगर कोई भी व्यक्ति अगर सेल्फ हेल्प ग्रुप का निर्माण करता है तो उसके बीच क्या है, नॉलेज की कमी होती है, ट्रेनिंग की कमी होती है, प्रशिक्षण की कमी होती है, तो वो क्या होता है, उचित प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं कर पाता सेल्फ हेल्प ग्रुप का, और जिससे वो विकास की धारा से क्या हो जाते हैं, वंचित हो जाते हैं, और लंबे समय तक उन सतत रूप से चल नहीं पाते। और आज भी अगर पैट्रियार्की माइंडसेट है, मतलब पितृसत्तात्मक सोच हमारे देश में विद्यमान है, अगर महिलाएं अगर सेल्फ हेल्प ग्रुप में पार्टिसिपेट करती हैं तो क्या होता है कि वो पार्टिसिपेट करने से मना करते हैं, कि वो क्या करते हैं, इकोनॉमिक मतलब कि लिमिटेशन लगाते हैं कि आप उस सेल्फ हेल्प ग्रुप में पार्टिसिपेट करके क्या करेंगी, तो ये भी समस्या है, मतलब कि सामाजिक और सांस्कृतिक जो कुरीतियां हैं उनको हमको दूर करना चाहिए।
और आज भी जो ग्रामीण क्षेत्र में है वहां पे बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। जैसे 1.2 लाख जो बैंक ब्रांचेस हैं वो 6 लाख विलेजेस में है, तो कितनी कमी है। और जो मैं बहुत सारी जो पब्लिक सेक्टर बैंकें हैं वो गांव में अपनी ब्रांचेस खोलती नहीं है, लेकिन हालांकि जो प्राइवेट बैंक हैं वो आपको देखने को वहां पे मिलेंगे। और हालांकि आज तो क्या हो गया, डिजिटल हो गया है, जितना पेमेंट इतनी समस्या है नहीं है, लेकिन कहीं थोड़ी बहुत तो समस्या आपको देखने को मिलती है। दूसरा, अगर सेल्फ हेल्प ग्रुप अगर खुल भी जाता है तो बहुत सारी समस्याएं के कारण वो सतत रूप से आगे नहीं बढ़ पाता। तीसरी समस्या है, मतलब कि 5 लोग आए उनकी सेम समस्या है, तो अगर किसी एक व्यक्ति को जिम्मेदार बनाया है तो म्यूचुअल ट्रस्ट पे बनाया है, विश्वास के आधार पे बनाया है, तो अगर कोई व्यक्ति लेके चला गया उन रुपए को तो कोई सिक्योरिटी नहीं है, तो इसलिए इसको क्या देना चाहिए, लीगल स्टेटस देना चाहिए। बात समझ में आ रही है, तो ये भी है। चौथी है, केवल माइनॉरिटी बहुत कम संख्या में सेल्फ हेल्प ग्रुप में वो सस्टेन कर पाए हैं, स्टार्टअप का रूप ले पाए हैं, माइक्रो लघु कुटीर उद्योग का रूप रूप ले पाए हैं, जबकि हमारे देश में कितने हैं, 74 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप है। तो हमारे लिए महत्वपूर्ण ये है कि जो भी जितने भी सेल्फ हेल्प ग्रुप में, हम उनको ट्रेनिंग दें, हम उनको मानव संसाधन उपलब्ध कराएं, हम इनको वित्तीय उपलब्ध कराएं, हम इनको एक गोल दें और हम इनको एक एडवाइजरी दें, हम उनकी काउंसलिंग करें, ताकि जितने भी सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं वो ग्रामीण क्षेत्र में सस्टेन करें और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को क्या हो, बढ़ावा हो। तो ये हमने सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में पढ़ा, हमने समग्र रूप से इसका अध्ययन किया। अब आगे चलते हैं। अब एक योजना इसमें चर्चा में आई थी कि दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन क्या है, तो ये क्या सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। दो स्कीम होती है, एक सेंट्रल सेक्टर होती है, एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड होती है। सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम में क्या होता है, केंद्र और राज्य का क्या होता है, शेयर होता है, वो 60-40 भी हो सकता है, 70-30 भी हो सकता है, वो अकॉर्डिंग टू स्कीम होता है। लेकिन सेंट्रल सेक्टर में क्या होता है, जो 100% जो शेयर होता है वो केंद्र सरकार क्या करती है, वहन करती है खर्चा, केंद्र सरकार, ठीक है। इसको किस मंत्रालय के अंतर्गत, तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंतर्गत 2011 में लॉन्च किया गया। इसका एम क्या है, जो ग्रामीण क्षेत्र से हम जो पॉवर्टी है उसको क्या करेंगे, एलिमिनेट करेंगे, ठीक है। बस इतना से ध्यान रखना, इसके आगे आपको ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है। अब आगे चलते हैं। आज की न्यूज ये है कि रिलुक एट फीस ऑफ 50% सीट इन प्राइवेट मेडिकल कॉलेज। मद्रास हाईकोर्ट ने नेशनल मेडिकल कमीशन को एक मेमोरेंडम इशू किया है कि आप क्या करो, 50%। अब ऐसा होता है ना कि जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है उनकी जो 50% जो सीट है उनकी फीस का जो रेगुलेशन कौन करेगा, नेशनल मेडिकल कमीशन करेगा, ठीक है। तो हमारे लिए महत्वपूर्ण है, तो हमारे लिए महत्वपूर्ण क्या है, नेशनल मेडिकल कमीशन महत्वपूर्ण है, तो वो हम पढ़ेंगे। सबसे पहले जो महत्वपूर्ण मुद्दे थे वो पढ़ लेते हैं। कोर्ट ने कहा है नेशनल मेडिकल कमीशन से कि जो गरीब स्टूडेंट है, आपने जो 50% की फीस का रेगुलेशन करने का काम किया है, लेकिन वो लोग तो इससे वंचित रह सकते हैं। मान लो गरीब स्टूडेंट है, उनको अच्छी कोचिंग नहीं मिली, मैरिट नहीं आ पाई, तो उनको वो सीट नहीं मिलेगी, तो आप इसको ध्यान रखो, ठीक है। दूसरा, उनने कहा कि नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट के अंतर्गत सेक्शन 10(1)(1) के अंतर्गत उनने इसको 50% वाला जो रेगुलेशन था उसको क्या बोला है, वैध माना है, माना भाई सही है, कंस्टिट्यूट संविधानिक, ठीक है। और उनने कहा है कि जो भी छात्रों का अगर यूनिवर्सिटीज क्या करती हैं, लेकिन उनका अगर शोषण करती हैं, तो इस तरह से आपको इसको फीस स्ट्रक्चर के बारे में उनको बताना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे चर्चा में था, हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं, महत्वपूर्ण है हमारा नेशनल मेडिकल कमीशन। तो नेशनल मेडिकल कमीशन में कितने मेंबर होते हैं, नोटिफाइड 33 हैं, और नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट 2019 के तहत इसको स्टेब्लिश किया गया, पुरानी वाली बॉडी को रिमूव कर दिया गया। इसमें मेंबर होते हैं, एक चेयरपर्सन होता है, 10 एक्स-ऑफिशियो मेंबर होते हैं, 22 जो मेंबर होते हैं वो कौन नॉमिनेट करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनेट करती है। तो आप ध्यान रखोगे 1+10+22, ठीक है, तो कितने हो गए, 33 मेंबर का एक क्या है आयोग।
ये काम क्या करता है, एक पॉलिसी का फ्रेम करता है, रेगुलेट करता है मेडिकल इंस्टीट्यूशन और मेडिकल जो प्रोफेशनल्स होते हैं डॉक्टर वगैरह उनके रिक्वायरमेंट से संबंधित काम करता है हेल्थ केयर सेक्टर में, और जो भी मतलब लॉ होते हैं उनको इम्प्लीमेंट कंप्लायंस कराने का काम करता है विथ स्टेट मेडिकल काउंसिलिंग की हेल्प से। और गाइडलाइन इसने फ्रेम की है कि 50% ऑफ जितने भी सीट हैं उनको प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में उनको हम गाइडलाइन देंगे। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया है, तो आप इसको देख लेना। मेन आप नेशनल मेडिकल कमीशन देखना। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, बल्कि एक्ट आया उसमें क्या क्या इस्टेब्लिश हुआ। पहली बात तो यह है कि नेशनल मेडिकल कमीशन एक सर्च एंड सिलेक्शन कमेटी इसके अंतर्गत इस्टेब्लिश हुई। दूसरा नेशनल मेडिकल कमीशन इस्टेब्लिश हुआ। तीसरा मेडिकल एडवाइजरी काउंसिलिंग इस्टेब्लिश हुई। अब नेशनल मेडिकल कमीशन के अंतर्गत सब कैटेगरी है कि एक अंडर ग्रेजुएट के लिए आप मेडिकल एंट्रेंस बोर्ड इस्टेब्लिश करवाओ, एक पोस्ट ग्रेजुएट के लिए मेडिकल एंट्रेंस बोर्ड इस्टेब्लिश है, और मेडिकल असेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड है, और बोर्ड फॉर मेडिकल रजिस्ट्रेशन है। तो आप इनको एक बार देख लेना, आपके लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, आगे चलते हैं। इंडिया जापान ने 2+2 मिनिस्ट्री डायलॉग अभी इस्टेब्लिश हुआ है टोक्यो में, जापान की राजधानी है। इसमें एक्चुअली क्या होता है, जैसे आप देख पा रहे होंगे कि फॉरेन और जो डिफेंस मिनिस्टर हैं वो टू क्या करते हैं, डायलॉग करते हैं, जो भी स्ट्रेटेजिक जो भी मतलब कि सामरिक मुद्दे होते हैं उनके बारे में बात करते हैं, जो भी मतलब टाई होते हैं उनको मजबूत करते हैं। अब हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि हमने किन किन देशों के साथ 2+2 डायलॉग इस्टेब्लिश किया है। तो हमने यूएस, ऑस्ट्रेलिया, जापान, रसिया, तो कितने हो गए, 1, 2, 3, 4 देशों के साथ हमारा 2+2 डायलॉग इस्टेब्लिश है। 2+2 का मतलब है कि भारत के भी फॉरेन और डिफेंस मिनिस्टर होंगे, और जिसके साथ डायलॉग हो रहा होगा उसके साथ भी फॉरेन और डिफेंस मिनिस्टर होंगे। ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखना, ये जरूर ध्यान रखना कितने देशों के साथ है, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, जापान और रसिया। दूसरा, इंडिया और जापान के मध्य क्या क्या मतलब कहाँ कहाँ कोलोबरेशन है, कहाँ कहाँ मतलब हम काम करते हैं, हम क्या करते हैं, रूल बेस्ड ऑर्डर को बढ़ावा देती है, नहीं कि चाइना अपनी दक्षिण एशिया सागर है, सी है, उसमें अपनी दादागिरी इस्टेब्लिश करे, तो हम ऐसा बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम अंतर्राष्ट्रीय रूल और नियम को बढ़ावा देते हैं, नॉर्म को बढ़ावा देते हैं, हम किसी विशेष स्थिति में अपने रूल और किसी की दादागिरी देश की बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम सेफ गार्ड ग्लोबल कॉमन के बारे में बात करते हैं। 2007 में प्रधानमंत्री थे शिंजो आबे, उनकी अभी क्या हो गई, शूट कर दिए गए, उनकी डेथ हो गई। तो उनने 2007 में क्वाड का एरिया लेके आए, क्वाड का आइडिया लेके आए थे इसके, तो क्वाड के हम भागीदार हैं, जिसमें 4 देश है, आप कमेंट करके बताओ कौन कौन से देश हैं। सप्लाई चेन रिजिलियंस इनिशिएटिव में हमने पार्ट लिया है। एशिया अफ्रीका ग्रोथ को कॉरिडोर के बारे में बात करते हैं कि हम डेवलपमेंट करेंगे, चाइना का जो BRI है उसको काउंटर करेंगे, तो इसको लेके आए। और हमारा म्यूचुअल लॉजिस्टिक सप्लाई एग्रीमेंट है जापान के साथ, और हम कुछ एक्साइज भी करते हैं, जैसे फाइटर एक्साइज हो गई, धर्मा, गार्जियन जॉइंट मिलिट्री एक्साइज, जिमैक्स हो गई, और मालाबार हो गई। तो मालाबार में कौन कौन से देश हैं, एक इंडिया है, और यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखना। और एक नई है सेतु, चर्चा में है, सपोर्टिंग एंटरप्रेन्योर इन ट्रांसफॉर्मिंग अप स्किलिंग, मतलब कि जो भी मतलब उद्यमी है उनको हम क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, उनको स्किलिंग करेंगे। ये यूएस बेस्ड इन्वेस्टर इसमें क्या करेंगे, और इंडिया के मस्त क्या है, एक सहायता है, एक मेंटरशिप पोर्टल है अंदर अंडर स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव, जिसका नाम है मार्क। मार्क का मतलब है कि हम जितने भी मेंटरशिप देंगे, उनको एडवाइजरी देंगे, असिस्टेंट देंगे, और उनको रिजिलियंट बनाएंगे ताकि वो ग्रोथ कर सकें। ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखना। मार्क प्रोग्राम क्या है, तो एक सिंगल स्टॉप सॉल्यूशन है, किसके लिए, स्टार्टअप के लिए। इंडिया में भारत के मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने इसको लॉन्च किया है, और भारत यूनिकॉर्न में कौन सी रैंक है, थर्ड रैंक है। अभी भारत में कितने यूनिकॉर्न है, 105। यूनिकॉर्न का मतलब है कि 1 बिलियन, 1 बिलियन से आपकी कंपनी की वैल्यूएशन हो या उससे अधिक, तो आप यूनिकॉर्न कहलाते हैं। ठीक है, तो आप ध्यान रखना। आगे चलते हैं, फाइनेंस
फाइनेंस मिनिस्टर ने आरबीआई से कहा है कि आप व्हाइट लिस्ट बनाओ ताकि जो ऐप के माध्यम से हम लोन लेते हैं ताकि वो लोगों का शोषण ना कर सकें, ताकि लोग आत्महत्या ना करें, उनको हम रेगुलेशन कर सकें, ताकि आप व्हाइट लिस्ट बनाओ और उसमें लीगल लोन ऐप होना चाहिए ताकि हम बोरोवर को, उपभोक्ताओं को क्या कर सकें, संरक्षण प्रदान कर सकें। इतना से ध्यान रखना, ठीक है। और इसके बारे में हमने पढ़ा है, डिटेल में पढ़ा है पिछले लेक्चरों में, तो आप वहां जाके उसको देख सकते हो, इसकी आवश्यकता पड़ने की नहीं है, ठीक है। जैसे बहुत सारे मनी व्यू लोन हो गए, क्रेडिट वी लोन हो गया, दानी लोन है, ऐप है, तो ये सारे ऐप हैं, तो इनको क्या करें, रेगुलेशन कर सकें ताकि उपभोक्ताओं का संरक्षण हो, ठीक है। तो आप ध्यान रखता हूँ। ये कीर्ति पारेख कमेटी स्टेब्लिश हुई है, इनका मतलब है जो हमारी गैस प्राइजेस है उनको हम क्या कर सकें, रेगुलेट कर सकें, और जो करंट गैस प्राइजिंग फॉर्मूला है उसके बारे में हम सजेशन दे सकें। इनका मतलब है कि मार्केट बेस्ड गैस प्राइस स्टेब्लिश होनी चाहिए, जैसे पेट्रोल के तहत है कि अगर मार्केट में चेंज होगा गैस प्राइस में, तो आगे मार्केट में पेट्रोल में चेंज, गैस प्राइस में चेंज होगा तो भारत में पेट्रोल में भी चेंज होगा। इसी आधार पर वो कहना चाह रहे हैं कि जो गैस प्राइजिंग है वो भी क्या हो, मार्केट के आधार पर हो, ठीक है। तो इतना ध्यान रखना और इसके अलावा कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं। अच्छा, इसके इसकी कुछ सरकार ने स्कीम चलाई, जैसे उज्ज्वला है, ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखना, एक उज्ज्वला स्कीम पढ़ लेना, महत्वपूर्ण आपके लिए। टिपिंग पॉइंट चर्चा में है, साइंटिस्ट और वैज्ञानिकों ने बोला है कि जो क्लाइमेट चेंज अगर अगर टिपिंग पॉइंट क्रॉस कर लिया तो हमारे लिए अलार्म खतरे की घंटी है। टिपिंग पॉइंट का मतलब है मतलब किसी भी स्थिति में ऐसा चेंज हो जाए कि वापस उसको बदला ना जा सके, मतलब कि क्या हो, वो अपरिवर्तनीय हो, क्या हो, अपरिवर्तनीय हो, तो उसको बोलते हैं टिपिंग पॉइंट। मतलब कोई व्यक्ति अगर यहाँ है, तो अगर यहाँ तक है तो इसको यहाँ से यहाँ तक वापस ला सकते हैं, कोई हमें एक्स्ट्रा फोर्स लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लगन अगर अगर कोई व्यक्ति अगर यहाँ से कोई चीज यहाँ से यहाँ पहुंच गई तो इसमें अपरिवर्तनीय चेंज हो गया, ये वापस यहाँ नहीं आएगी बिना एक्स्ट्रा फोर्स लगाए। तो टिपिंग पॉइंट का मतलब है कि हमको एक्स्ट्रा फोर्स, मतलब कि उसमें अपरिवर्तनीय चेंज है जो हमको बाद में उसमें मूल रूप से हम उसको ना ला पाएंगे। अगर ऐसा हो गया तो हमारे जो क्लाइमेट चेंज जो वर्तमान में वास्तविक है वो आगे हमारे पृथ्वी को नष्ट कर देगा, तो हमें इस पे ध्यान देने की आवश्यकता है। सिक्स टिपिंग पॉइंट हो चुके हैं, ग्रीनलैंड आइस शीट कोलैप्स हो गई है, वेस्ट अंटार्कटिका आइस शीट कोलैप्स हो गई है, ओशियन सर्कुलेशन इन पोलर रीजन नॉर्थ अटलांटिक में कोलैप्स हो गया है, कोरल रीफ डाई हो गई है लो एल्टीट्यूड पे, ठीक है, कोरल रीफ जो हमारे रहती हैं वो मर गई हैं, ठीक है। और नॉर्थन रीजन में हमारी जो परमाफ्रॉस्ट है वो पिघल रहा है, और जो अपर्स्ट सी आइस लॉस जो बेरेंट सी है वहाँ पे क्या हो गया है, आइस लो हो गया है, इनको वापस हम नहीं पा सकते, तो इसलिए इन बोलते हैं कि टिपिंग पॉइंट हो गया है इनका, ठीक है, तो इनको वापस हम प्राप्त नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे आप देख पा रहे हो ग्रीनलैंड आइस शीट हो गई, बेरेंट सी आइस हो गई, बोरेल परमाफ्रॉस्ट हो गया, आर्कटिक विंटर सी आइस हो गई, बोरेल फॉरेस्ट हो गया, तो ये सारे चेंजेस हो चुके हैं, इतने टिपिंग पॉइंट हो चुके हैं, तो हमारे लिए बाद में हम इनको परिवर्तन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि हम क्लाइमेट चेंज की दिशा में महत्वपूर्ण सोचें, और क्लाइमेट चेंज ना हो तो इसके सामूहिक प्रयास करने की आवश्यकता है। गरीब देशों को टेक्नोलॉजी देने की आवश्यकता है, गरीब देशों को वित्तीय देने की आवश्यकता है, कौन देगा, अमीर देंगे, अमीर देंगे, ठीक है, ताकि वो क्लाइमेट चेंज से निपट सकें और अपने विकास को कर सकें। तो हमें सामूहिक प्रयास करना है ताकि क्लाइमेट चेंज हम को कम कर सकें, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं, आपको मेन ध्यान रखना है टिपिंग पॉइंट। अब हाल ही में न्यूज थी कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जो आपके कुंडलकुलम जो निकल पावर प्लांट है, इसमें स्टोरेज जो हमारा जो फ्यूल है उसको स्टोरेज संबंधी इसको डायरेक्शन दी थी, तो ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है, हमारे लिए महत्वपूर्ण है न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट में दो तरह की चीजें होती हैं, कि न्यूक्लियर फिजन होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। न्यूक्लियर फिजन में क्या करते हैं, हम विखंडन करते हैं, जैसे एक कोई न्यूट्रिनो लिया, इस पे हमने यूरेनियम 235 पे हमने कुक किया, तो ये क्या हो गया, विखंडन हो गया बोरोलियम में और न्यूट्रॉन में और Kr-89 में, तो इसके द्वारा एक एनर्जी का निर्माण होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है,
ये तो आपने न्यूक्लियर विखंडन कर लिया, लेकिन इसमें जो एनर्जी होती है वो अपेक्षाकृत कम होती है, और जो अपशिष्ट निकलता है और रेडिएशन निकलती है वो खतरनाक होती है, किसी कैंसर जनित होती है और मानव सभ्यता को नाश कर सकती है। किसमें? न्यूक्लियर फ्यूजन में, जिसको विखंडन बोलते हैं। अब न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होता है कि हमने दो पार्टिकल लिए, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, इनको मिलाया तो न्यूट्रिनो और हीलियम बनेगा। अब जब सूर्य में अगर एनर्जी का निर्माण होता है वो इसी प्रक्रिया से होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन से। तो इसमें जो अपशिष्ट निकलता है वो हानिकारक हमारे लिए नहीं होता है, तो इसलिए लोग ये कहते हैं कि हमें इस पे जाना चाहिए इसकी बजाय। अच्छा, इस पे जाने के लिए काम भी चल रहा है, एक एक्सपेरिमेंट है जिसको नाम है टोकोमैक। क्या नाम है? टोकोमैक, जो फ्रांस में चल रहा है और उसमें इंडिया भी पार्ट है। इंडिया का शेयर इसमें 9% है इस एक्सपेरिमेंट। तो आप इस एक्सपेरिमेंट को ध्यान रखना, हम क्या कर रहे हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन फ्यूजन कराने का काम कर रहे हैं, मतलब आर्टिफिशियल सूर्य बनाने का काम कर रहे हैं, ठीक है? तो ताकि हमारे लिए क्या हो, मानव सभ्यता के लिए खतरा भी ना हो और हम बहुत सारा काम कर सकें। लेकिन इसमें चैलेंजेस ये है कि हमें टेम्परेचर हाई करना पड़ेगा, तो उसको मेंटेन करना बहुत बड़ी समस्या है। तो अभी फिलहाल में कौन सा चल रहा है? न्यूक्लियर फ्यूजन चल रहा है, तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। वही हमने किया है कि अगर हमारे पास हैवी न्यूक्लियस है वो टू लाइटर न्यूक्लियस में चेंज हो जाता है, इसमें टू लाइट न्यूक्लियस है वो हैवी न्यूक्लियस में चेंज हो जाते हैं, मतलब कि दो को एक में करना है या हमें एक को दो को करना है न्यूक्लियर फ्यूजन में। ये चेन रिएक्शन के द्वारा एनर्जी निर्माण होता है, इसमें चेन रिएक्शन इन्वॉल्व नहीं होता, न्यूट्रॉनों की हेल्प से होता है, ठीक है? और इसमें एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर हमको मेंटेन करने की आवश्यकता होती है। ये एनर्जी क्या करता है, जनरेशन एनर्जी होती है इसमें, इसमें भी होती है, ठीक है? और ये अभी तक डेवलप हमारे पास नहीं हुआ है, अधिकांश देशों के पास ये है। इसके संबंध में अभी क्या चल रहा है, टोकोमैक एक्सपेरिमेंट है फ्रांस में, ठीक है, जिसमें चाइना, अमेरिका, रसिया, जापान सभी देश इसमें भाग ले रहे हैं। इसके जो डिस्पोजल निकलता है न्यूक्लियर नाभिकीय विखंडन में, वो हमारे पर्यावरण के लिए हानिकारक है। इसका वेस्ट इसमें हमारे पर्यावरण के लिए हानिकारक नहीं, और इतना खतरनाक नहीं होता है, ठीक है? इसका रॉ मटेरियल हमारे लिए इजीली हम नहीं मिल पाते, जैसे आप देखा होगा, और कॉस्टली भी है। इसमें इसका जो रॉ मटेरियल है वो चीप है और आसानी से हम प्राप्त कर पाएंगे, ठीक है? रॉ मटेरियल क्या होगा, ड्यूटेरियम और ट्राइटेरियम, जो हाइड्रोजन की समस्थानिक के, वो हम सारे बातें इसमें न्यूक्लियर फ्यूजन में बात करेंगे, ठीक है? तो हम एक नजर में देख लेते हैं कि भारत में कहाँ कहाँ न्यूक्लियर पावर प्लांट है। तो अच्छा, एक बात ध्यान रखना, भारत का जो न्यूक्लियर एनर्जी का जो एनर्जी में हिस्से है वो 2% के आसपास है, ठीक है? तो इसको ध्यान रखना। सबसे गोरखपुर देख पा रहे होगे पावर प्लांट है, नरोरा है जो कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है, गोरखपुर भी उत्तर प्रदेश में है, हरिपुर है वेस्ट बंगाल में, कवाड़ा है कहाँ, ये हमारा आंध्र प्रदेश में, तारापुर है मुंबई में, कलप्पंग है कहाँ, तमिलनाडु में, कुंडलकुलम है हमारा कहाँ, ये तमिलनाडु में आप देख पा रहे होंगे, और केगा कहाँ, कर्नाटक में है, जैतपुरा मुंबई में, मैथीवर्दी ये भी गुजरात में, और ककरापर ये गुजरात में, ठीक है? माही, बंसवारा, राजस्थान, और ये राजस्थान, ठीक है? मध्य प्रदेश में चुटका भी है, और भीमपुर यहाँ का इधर महाराष्ट्र में। तो आप इसको एक बार पॉज करके देख लेना, आप देखोगे तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है? तो आप इसको ध्यान रखना। अब बात कर लेते हैं कि हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम क्या है, हम कैसे काम करते हैं। तो हमारा भारत का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो तीन स्टेज पे काम करता है, कि हम पूरी तरह विदेश पे निर्भर रहेंगे, प्रेसराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर पे काम करेंगे, जिसपे इनपुट यूरेनियम और ड्यूटेरियम का, अगर हम इनपुट देते हैं तो आउटपुट हमको क्या बनता है, प्लूटोनियम। और अगर इस प्लूटोनियम को फिर हम दोबारा फास्ट बीटर रिएक्टर में का लेंगे, तो प्लूटोनियम और यूरेनियम मिक्स का अगर ऑक्साइड लेंगे तो यूरेनियम 233 मिलेगा, और थोरियम बेस्ड रिएक्टर में थोरियम 233 हमको एनर्जी मिलेगी। तो हम यहाँ पे क्या हो जाएंगे, सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएंगे, हम बाहर जाने को हमको आयात करने की आवश्यकता नहीं है। तो अभी हम यहाँ चल रहे हैं, अभी हम यहाँ ये विकसित स्थिति में हैं, यहाँ पे हम आने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसको ध्यान रखना, ठीक है? भावा ने वो एक प्रोग्राम लॉन्च किया था, हम यहाँ पे जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो भारत का जो न्यूक्लियर प्लान है वो तीन स्टेज में है, इन फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, ठीक है? तो आप इनपुट ध्यान रखना ये वाले, ठीक?
अच्छा कमेंट करके बताना जो फास्ट वीडर एक्टर है वो कौन सा है भारत में, अभी एक है मैं आपको बता देता हूँ कौन सा है, आप बताना। अब इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं, सबसे ऊपर प्राइम मिनिस्टर होते हैं एटॉमिक एनर्जी कमीशन के, फिर उसके नीचे डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी होता है, फिर एटॉमिक एनर्जी रेगुलेशन बोर्ड होता है जो रेगुलेशन करता है, फिर डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के नीचे रिसर्च डेवलपमेंट सेंटर होता है, पब्लिक सेक्टर यूनिट होता है और इंडस्ट्रियल यूनिट होता है। तो आप इसको देख लेना एक बार, ठीक है। हम आगे चलते हैं भाई, इतना सा ओवरव्यू लेने की आवश्यकता है, ज्यादा ज्यादा नहीं पढ़ना है आपको, ठीक है। आगे चलते हैं, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना लॉन्च हुई है, लॉन्च हुई थी कब, जब कोविड में। मैनी स्टेट चाहते हैं कि इसको एक्सटेंड किया जाए, इसको फर्स्ट टाइम कोविड के दौरान लॉन्च किया गया था। इसके अंतर्गत 5 किलो एक अतिरिक्त फूड ग्रेन लोगों को उपलब्ध कराया जाता था पर मंथ, ताकि वो गरीबी से लड़ सके। और हमारा जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 है उसके एडिशन एक था, उसके अंतर्गत नहीं था, ठीक है। और इसको ओनली 3 मंथ के लिए लॉन्च किया गया था, बाद में इसको एक्सटेंड करता गया करते गए, ठीक है। तो इसको आप केवल इतना ध्यान रखना, 5 किलो फ्री फूड ग्रेन उपलब्ध कराया जाता है पर मंथ, एडिशनल टू नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, उसमें शामिल नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं, क्रेटेशियन चर्चा में है। क्रेटेशियंस आप देख पा रहे हो, ये देखो डॉल्फिन्स का जो समुदाय रहता है वो हमारे समुद्र के ओशन की इकोसिस्टम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो इनमें बर्ड फ्लू एक देखा गया है, तो ये खतरनाक है, ठीक है। तो ये ओशन हेल्थ को रेगुलेट करता है, बस आप इतना देखना क्रेटेशियंस क्या है, तो ये हम आप देख पा रहे हो, ठीक है। एक सेंटिनल्स ऑफ ओशन हेल्थ को रेफर करता है, मरीन इकोसिस्टम के डायनामिक होते हैं, ठीक है। ये पोलर रीज टू इक्वेटर में पाए जाते हैं, तो आप इसको बस इतना ध्यान रखना, क्रेटेशियन बाकी कुछ ध्यान रखना है, ठीक है। अर्बन वाटर बॉडी इंफॉर्मेशन सिस्टम सरकार चाहती है कि अगर हम क्या कर सकें, सैटेलाइट के द्वारा उनकी इमेज उपलब्ध करा सकें, और इसको सहायता नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर हैदराबाद में उसकी सहायता से इसको अप्लाई किया जा रहा है, ठीक है, ताकि जो वाटर बॉडी है उसका हम डाटा हम रख सकें। बस इतना से ध्यान रखना है, इसके आगे कुछ रखना है। अब एक काउंसलिंग चर्चा में है कि जीरो एमिशन व्हीकल ट्रांसमिट काउंसलिंग, ये क्या है, ग्लोबल फोरम है। ये क्या करती है कि जो भी व्हीकल है उसमें हम कैसे कर सकें, जो इमिशन है जो कार्बन डाइऑक्साइड जो ग्रीन हाउस गैसेस का इमिशन है उसको क्या कर सके, कम से कम कर सके। तो आप एक उद्देश्य ध्यान रखोगे। इंडिया जो COP 26 हुआ था उसमें पार्टिसिपेट हो, मिनिस्ट्रियल मीटिंग में पार्टिसिपेट किया था डायलॉग में, उसमें जिपटेक में, तो आप बस इतना ध्यान रखना। दूसरा इसका उद्देश्य क्या है वो ध्यान रखना, कमेंट करके बताना COP 26 कहाँ हुआ था, किस देश में हुआ था, ठीक है। जियो मैग्नेटिक स्टॉर्म चर्चा में है कि इंटेंस सीरीज ऑफ इरप्शन ऑफ सन में ट्रिगर स्ट्रॉन्ग जियो मैग्नेटिक स्टॉर्म ऑन अर्थ। जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, मान लो सन है ए, तो यहाँ से जो स्टॉर्म आ रहे हैं इनको तूफान बोलते हैं, मान लो यहाँ से इतनी तेजी से आए कि भारत के जो, भारत नहीं सॉरी क्या भारत तो अर्थ के जो मैग्नेटिक फील्ड है ये वाला, इसे क्या करता है, बाहरी जो भी ऑब्जेक्ट होता है उससे हमारी सुरक्षा करता है। तो इसको क्या करते हैं, कर सकते हैं, इसको तोड़ सकते हैं, इसको डिस्ट्रक्ट कर सकते हैं, इन सन फ्लेयर भी बोलते हैं इनको, स्टॉर्म भी बोलते हैं। तो चर्चा में है, ठीक है, आप यहाँ से समझ पा रहे होंगे। लेकिन ये काम कर सकते हैं तो हमारे जो जितने भी सिस्टम हैं वो डिस्ट्रॉय हो सकते हैं, जैसे ग्लोबल नेविगेशन सिस्टम डिस्ट्रॉय हो सकता है, और जो भी मतलब कि कम्युनिकेशन सिस्टम है वो डिस्टर्ब हो सकता है, पावर ग्रिड डिस्टर्ब हो सकती है, पाइपलाइन डिस्टर्ब हो सकती है। तो ये बहुत सारी चीजें जो भारत का जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो क्या हो सकता है, डिस्ट्रॉय हो सकता है। तो हमें इसको ध्यान देने की आवश्यकता है, इसके बारे में और स्टडी करने की आवश्यकता है, ठीक है। आगे चलते हैं, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में एक वोट हुआ है, वो चाहते हैं कि ग्लोबल पेंडेमिक टीटी आए। इनका मेन उद्देश्य ये है कि हम क्या करें कि कोई भी अगर महामारी आए तो चाहे वो गरीब देश हो चाहे वो अमीर देश हो, सबको वैक्सीन का लाभ मिल सके, सबको दवाइयां मिल सके, सबको डाटा मिल सके, और सभी पेंडेमिक से लड़ने में एक समान रूप से क्या हो, सक्षम हो। ऐसा ना हो कि अगर कोई अमीर देश है तो वो उसके पास वैक्सीन लग गई
और गरीब देश उस वैक्सीन को ले नहीं पाए। तो हमें क्या करना चाहिए, एक गोल्ड ग्लोबल पैंडेमिक ट्रीटी लाने की आवश्यकता है और इसमें नेगोशिएशंस हो। लोग क्या करें, गरीब देशों को टेक्नोलॉजी में पैसा दें, दवाइयां दें, ताकि महामारी उस देशों में ना बढ़े। ठीक है, तो आप इसको बस इतना से ध्यान रखना। अभी आई नहीं है एग्जाम, यूपीएससी कभी प्रश्न नहीं पूछता है, जो ऑनगोइंग प्रोसेस होती है यूपीएससी केवल उन्हीं पे प्रश्न पूछता है जो पूरी तरह स्टेब्लिश हो जाती है। ठीक है, तो आप इसको बस इतना सा ध्यान रखना। अब एक चर्चा में है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली क्या है, तो वो देख लेते हैं। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली क्या है, यूरोप 1945 में स्टेब्लिश हुई थी, हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है और वन ऑफ सिक्स ऑर्गन में से क्या है यूएन की, एक एक है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी जो काउंसलिंग है उसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। टोटल 15 मेंबर होते हैं, 5 को स्थायी सदस्यता है, बाकी 10 है उनको वो रोटेशन होते रहते हैं। अभी जो इसकी सदस्यता है वो भारत के पास है, परमानेंट मेंबर के पास वीटो पावर होता है, जैसे चाइना, फ्रांस, यूके, रसिया, यूएस के पास वीटो है। और चाइना और रसिया और चाइना रसिया और यूएस ये दोनों आपस में एक दूसरे के वीटो करते रहते हैं, तो इसलिए अन्य देश हैं वो कहते हैं कि वीटो पावर खत्म करो, और खत्म नहीं कर रहे हो तो हम कहें। ठीक है, तो इसमें सुधार करने की आवश्यकता है। जैसे आप देख रहे हो चाइना रसिया ने सीरिया के मुद्दे पर वीटो लेके आए, रसी यूएस ने 42 बार वीटो इसराइल के मुद्दे पे लेके आया। प्लस 3 इसका सदस्य नहीं है, अगर सदस्य अगर बनेगा तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का अप्रूवल होना बहुत जरूरी है, तभी हम कर सकते हैं। चाइना ने ब्लॉक किया है ताइवान की मेंबरशिप यूएन में, क्योंकि चाइना नहीं चाहता कि ताइवान अलग है, चाइना तो चाहता है कि ताइवान हमारा पार्टी है। ठीक है, तो आप ओवरऑल ध्यान रखना, और इसमें रिफॉर्म करने की आवश्यकता है कि नंबर ऑफ नॉन परमानेंट मेंबर बढ़ाओ उनको, अगर वीटो को एक्सपेंड करो, अगर एक्सपेंड नहीं कर रहे तो उसको खत्म करो। ठीक है, मतलब कि 1945 में स्टेब्लिश हुआ था, तब से 1945 से आज हम 2022 में चल रहे हैं, तो कितना चेंजेस हुआ है, डेमोग्राफी चेंजेस हुई है, डेवलप कंट्री चेंजेस हुई है, तो इसलिए इसके अनुसार इनमें क्या होना चाहिए, रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। ये देश क्या करते हैं, मांग करते हैं, भारत भी चाहता है कि इसमें क्या हो सुधार। ठीक है, अब क्या किया है सरकार ने, कुछ रूलों को आईएएस आईपीएस के लिए रिलीज किया है, ताकि जम्मू कश्मीर में आके उनको डेपुटेशन दिया जा सके। क्यों, जम्मू कश्मीर में आके वो काम करें। बेसिकली कुछ क्या रिलीज, मतलब कि क्या रिलैक्स किया है, कि कुछ कूलिंग ऑफ पीरियड रहता है, अगर आपको कहीं डेपुटेशन में जाना है, सेंटर में डेपुटेशन में जाना है, तो आपके पास क्या होना चाहिए, कुछ साल आपको काम करना चाहिए, उसके बाद ही आप वहां पे जा सकते हैं। इंटर कैडर अगर डेपुटेशन में जाना है तो उनकी नॉर्म को क्या किया है, रिलैक्स किया है। अभी तक केवल क्या होता था कि अगर आप मैरिज, अगर आपका एक जीवन साथी आप उत्तर प्रदेश में, आप तमिलनाडु में है, तो तमिलनाडु से आप कहाँ चले जाएंगे उत्तर प्रदेश में। सरकार नहीं चाहते कि दोनों लोग पति पत्नी अलग अलग रहें। ठीक है, डेपुटेशन कैसे होता है कि ऑफर लिस्ट बनाई जाती है, सेंटर पूछता है राज्य से कि आपके यहाँ से कितने लोग जाना चाहते हैं, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट उनको डेपुटेशन पर ले लेती है और राज्य सरकार उनको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दे देती है। और ऑल इंडिया सर्विस से जितने भी लोग होते हैं, जितना चाहते हैं उतने लोग जा सकते हैं, लेकिन ये टोटल स्ट्रेंथ है उससे 40% से अधिक डेपुटेशन पे नहीं जा सकते, तो आप इसको ध्यान रखना। और हाल ही में विवाद था कि ऐसी न्यूज थी, हमने उसको डिस्कस भी किया है, लेक्चर भी पढ़ा है, आप देख लेना, वहां पे पूरा समग्र रूप से डिस्कस किया है, सरकार क्या चाहती है, संशोधन क्या करना चाहती है, क्या है। ठीक है, तो उसको आप एक बार देख लेना, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। दूसरी बात यह है कि सरकार ने कहा कि हमारे पास आईएएस ऑफिसर की कमी है, तो आपसे कुछ राज्य सरकारें सेंटर पर डेपुटेशन पर नहीं जाना चाहती, कुछ अधिकारी नहीं जाना चाहते। सरकार चाह रही है कि हम राज्य सरकार की अनुमति के बने ही क्या करें, और उन ऑल इंडिया सर्विस के जितने भी ऑफिसर्स हैं उनको हम क्या करें, अपने यहाँ डेपुटेशन पर बुला लें, ताकि अधिकारियों की कमी की क्या हो, समस्या दूर हो। तो इसने राज्यों ने कुछ राज्यों ने विरोध किया, कहा कि संघवाद के खिलाफ है, ये संवैधानिक मूल्यों के खिलाफ है। तो ये सारी समस्या है, आप लेक्चर को देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। ई कोलाई बैक्टीरिया चर्चा में था, तो ई कोलाई हम पढ़ लेते हैं क्या है। जैसे आप देख पा रहे होंगे, एक लार्ज और डाइवर्स एक ग्रुप है बैक्टीरिया का, जो इन्वायरमेंट में पाया जाता है, फूड में पाया जाता है, इंटेस्टाइन में पाया जाता है, एनिमल में,
मोस्ट ऑफ इसके जो स्ट्रेन होते हैं इकुलाई के वो हार्मलेस होते हैं और कुछ ही क्या करते हैं आपको थोड़ी बहुत बीमारी दे देंगे, जैसे डायरिया हो गया, ठीक है, थोड़ी बहुत बीमारी देते हैं और हर एक हॉस्पिटल में आपको ही मिलने को देखने को मिल जाएंगे, ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। बस इतना सा पढ़ना है और पढ़ने की आवश्यकता नहीं। दूसरा एक इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क मिनिस्ट्रियल डायलॉग समिट हुआ जिसमें इंडिया ने पार्टिसिपेट किया। एक यूएस लैड है, इसमें 14 कंट्री शामिल है, इसमें भारत भी शामिल है, आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि इसमें कौन कौन से देश हैं, यूएस है, ऑस्ट्रेलिया है, ब्रुनेई है, इंडिया है, इंडोनेशिया है, जापान है, कोरिया है, मलेशिया है, न्यूजीलैंड है, फिलीपींस है, सिंगापुर है, थाईलैंड है, फिजी है और वियतनाम। आप देख पा रहे हो दक्षिण पूर्व या पूर्व के देश हैं ज्यादातर, 14 देश हैं, ठीक है। इसका काम है कि चाइना का जो एग्रेशन है उसको दूर करना, तो इस पे महत्वपूर्ण बात है, आप इसको देख लेना, ठीक है। बस देशों के याद रखना कौन है, इंडिया है, इंडिया इसका मेंबर है, बस इतना से याद रखना। एक मैप पढ़ लेते हैं, मैप ये है, जैसे आप यहाँ के सदस्य हैं, जैसे इसको बोलते हैं स्टेट ऑफ मलक्का बोलते हैं, ठीक है। यहाँ से 6 डिग्री चैनल होके गुजरता है, ये कोकोस आइलैंड है, ये आपका बर्मा है, इन सॉरी ये आपका क्या है, म्यांमार है, थाईलैंड है, लाओस है, वियतनाम है, कम्बोडिया है, गल्फ ऑफ थाईलैंड है ये वाला, ये गल्फ ऑफ टोंकिन है, यहाँ से हो ची मिन्ह सिटी है, ठीक है, ये मैंगकॉक रिवर यहाँ से गुजरती है, ये स्पार्टली आइलैंड है, पिछले भी पढ़ा था हमने, पार्सल आइलैंड है, साउथ चाइना सी है, लाइन 9 डैश लाइन है, ठीक है, ये स्टेट ऑफ मलक्का है, और ये सुंदा स्टेट है ये वाली, ये सुमात्रा है, ये जावा है, ये ब्रुनेई, ये मलेशिया है, ठीक है, और ये जावा सी है, फ्लोरस सी है, स्लैब सी है, और ये पैसिफिक ओशियन में ही ये वांडा सी है, ठीक है, ये तिमोर सी है, ये नीचे तस्मानिया सी है ऑस्ट्रेलिया के। तो आप इसको एक बार पॉज करके देख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, चाइनीज क्लेम बोलता है 9 डैश लाइन को जो हमने पहले पढ़ लिया है, और ये ताइवान स्टेट है, इसको लेकर विवाद है, ईस्ट चाइना सी है, ठीक है। तो आप इसको एक बार देख लेना, आई होप आप लोगों को लेक्चर पसंद आया होगा, थैंक यू वेरी मच, लाइक और शेयर जरूर करना, थैंक यू।